नमस्कार दोस्तों, ऋतिक रोशन बदलेंगे सुपर 30 की रिलीज डेट। ऋतिक रोशन ने अपनी फिल्म सुपर 30 के मेकर से फिल्म की रिलीज डेट बदलने की मांग की है। कुछ देर पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। दरअसल कंगना रनौत ने सुपर 30 की रिलीज के दिन अपनी फिल्म मेंटल है क्या को रिलीज करने का फैसला किया था। ऋतिक की इस मांग को कंगना के फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। पहले सुपर 30 भी 26 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन एकता कपूर के अनाउंसमेंट के बाद ऋतिक ने इस फिल्म का ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो कर दिया था। वो सुपर 30 की रिलीज डेट आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर से भी रिक्वेस्ट की है। ऐसा बताया जा रहा है कि कंगना से डर कर ऋतिक ने ये फैसला लिया है, यानी कि उनको कहीं ना कहीं इस चीज का डर है कि उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी अगर वो मेंटल है क्या के साथ अपनी फिल्म को रिलीज करेंगे। ऋतिक ने सुपर 30 की रिलीज डेट टालने की जानकारी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी है। इंस्टा पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ऋतिक रोशन ने ये लिखा, मैं अपने फिल्म को एक और मीडिया सर्कस द्वारा अपमानित होने की इजाजत नहीं दूंगा। मैंने अपनी फिल्म सुपर 30 की रिलीज डेट बदलने का फैसला किया है। इसकी जगह व्यक्तिगत क्षति और जहर से भरी मानसिक हिंसा से खुद को बचाना है। फिल्म की पूरी तरह से तैयार होने के बावजूद मैं अपने प्रोड्यूसर से गुजारिश करूंगा कि वो फिल्म की रिलीज डेट बदलें और जल्द से जल्द नई डेट का ऐलान करें। बताते चले कि हाल ही में कंगना रनौत ने अपनी फिल्म मेंटल है क्या की रिलीज डेट का ऐलान किया था। कंगना ने अपनी फिल्म के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की थी और रिपोर्ट्स के अनुसार ये सब सोच समझकर किया जा रहा था। दरअसल इसी दिन ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 भी रिलीज हो रही थी। आगे ये लिखा कि पिछले कई साल से मुझे ये देखकर काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि कई लोग इस विवाद को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसी चीजें किसी का भी खुला शोषण है। मैं अभी तक पूरे धैर्य और शांति के साथ इंतजार कर रहा हूं कि समाज की अंतरात्मा जाग जाए और ऐसे मामलों पर ध्यान दिया जाए। इससे पहले इस फिल्म को 25 जनवरी को रिलीज किया जाना था, ठीक उसी दिन जिस दिन कंगना की फिल्म मणिकर्णिका की रिलीज तय की गई थी, लेकिन कथित तौर पर विकास बहल के सुपर 30 फिल्म से हटने की वजह से इसकी जो रिलीज डेट थी उसको आगे बढ़ा दिया गया था। फिलहाल ऋतिक रोशन की इस मांग को उनके और कंगना के बीच के विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। तो देखा जाएगा ऋतिक रोशन का ये डर आप पूरी दुनिया के सामने है, और लेकिन कंगना रनौत भी अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है। अपने दम पर उन्होंने अपनी जो भी सफलता हासिल करा, जो मुकाम हासिल किया है वो बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से बेबाक अंदाज से वो हमेशा अपने ओपिनियन को रखती हुई नजर आती हैं, वो सचमुच बहुत ही ज्यादा तारीफ के काबिल है। तो देखते हैं यहाँ पर सुपर 30 की जो रिलीज डेट है उसको बढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर और दूसरी तरफ कंगना रनौत हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है कि सुपर 30 की रिलीज डेट के दिन ही उनकी फिल्म को रिलीज किया जाए। तो देखते हैं कि क्या होता है, और आपका जो भी ओपिनियन हो इस स्टोरी के ऊपर तो प्लीज अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज।